इंदौर शहर में 18 जनवरी से होने जा रहे दो दिवसीय 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल सम्मेलन और टूर्नामेंट के पहले ही शहर में योग साधकों ने आसनों का प्रदर्शन किया। राजपाड़ा के बाहर बने उद्यान में स्थापित देवी अहिल्या की प्रतिमा को नमन करते हुए देश विदेश के योग साधकों ने आसनों का प्रदर्शन किया। परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंसेस एंड रिसर्च द्वारा आयोजित होने जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय योग कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लगभग 22 देशों के योग साधक शहर आ रहे हैं, जिनमें से 16 देशों के योग साधक इंदौर में आ चुके हैं। इन योग साधकों ने राजवाड़ा पर देवी अहिल्या की प्रतिमा के समक्ष ताड़ासन, वृक्षासन, मयूरासन, पवन मुक्तासन सहित कई आसनों का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विदेशियों को इस तरह के योगासनों को करते देख उपस्थित लोगों ने भारतीय योग विद्या को लेकर गर्व महसूस किया। डॉक्टर नीलेश शर्मा ने बताया कि इस आयोजन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, लद्दाख, सिंगापुर, मॉरिशियस सहित अनेक देशों के योग विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो योग से जुड़े विषयों पर विचार व्यक्त करेंगे। यह आयोजन 18 व 19 जनवरी को खंडवा रोड के लिम्बोदी ग्राम स्थित परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंसेस एंड रिसर्च परमानंद कैंपस में होगा। आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय योग कॉन्फ्रेंस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता एवं अंतर्राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। साथ ही योग द्वारा रोगों का निवारण, योगी और समाज विचारकों को कर्मठ कर्मयोगी पुरस्कार एवं सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। जी, ये हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मना रहे हैं और ये महोत्सव अपने आप में भारत में बहुत कम होता है। ये रिसर्च बेस्ड है, साइंटिफिक बेस्ड है। पूरी दुनिया में जो योग आधारित विज्ञान पर जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस तरह से चिकित्सा में, शिक्षा में और अपने जीवन में आने पर उनमें क्या क्या प्रभाव और क्या क्या अच्छाइयाँ आ रही हैं, उसका यहाँ पर सभी विदेशों से आए ये जो प्रतिनिधि हैं ये अपने अपने रिसर्च पेपर यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और आने वाले भविष्य में योग संपूर्ण विश्व में क्या दिशा दे सकता है उसके ऊपर विचार मंथन होगा। ये मंथन है, वास्तव में योग पर मंथन है। कितने देशों से ये प्रतिनिधि आए? ये 21 देशों से प्रतिनिधि आ चुके हैं और 40 देशों से आने की संभावना है। हमें जो एंट्रीज और जिनके रिजर्वेशन हो चुके हैं वो लगभग 40 देशों के हो चुके हैं। सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई सुविधा इस मामले में? ये स्वामी परमानंद जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के जो आश्रम है वहाँ पर हो रहा है।